प्रीतम पूजा कल्याण समिति के तत्वाधान में मिथिलांचल आईटीआई में कैंपस सिलेक्शन किया गया, जिसमें 27 छात्र सफल रहे। मिथिलांचल आईटीआई मब्बी NH 57 दरभंगा में ऑनलाइन व्यवस्था के द्वारा 57 छात्रों का किया गया इंटरव्यू, जिसमें 27 छात्रों ने सफलता प्रदान किया। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एवं फीटर संबंधित रोजगार के लिए छात्रों को चयनित किया गया, जिसमें नील मेटल प्रोडक्ट्स JBM ग्रुप अहमदाबाद के लिए चयन किया गया, जिसमें कंपनी के सहायक शिवम कुमार ने छात्रों के प्रतिभा को देखकर प्रशंसा जाहिर किए। मिथिलांचल ITI के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि हमारे यहां इस तरह का प्लेसमेंट समय समय पर आयोजित किया जाता है, जिसमें मिथिलांचल ITI के अलावा दूसरे संस्था के बच्चे को भी हिस्सा लिया जाता है। कैंपस प्लेसमेंट में फीटर ट्रेड के छात्र अनुज कुमार राय, रोहित कुमार महतो, राजन कुमार, अशोक कुमार, नितेश कुमार यादव, संजय कुमार, विकास पंडित इत्यादि ने अपने अपने सिलेक्शन पर खुशी जाहिर की। मौके पर संस्थान के निदेशक आशीष कुमार, सुशील कुमार सज्जन, पंकज कुमार, संतोष कुमार शुभम एवं अमित कुमार आदि उपस्थित थे। JBM ग्रुप में मेरा सिलेक्शन हुआ है मिथिलांचल ITI के माध्यम से, जिससे मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। मेरा नाम सीताराम कुमार है, जो मिथिलांचल ITI है वहाँ, यहाँ पहले मेरा भैया जी पढ़ते थे, वो मेरा भैया जी PMKVY के द्वारा पास हुए, फिर उनको जॉब लग गए, फिर भैया जी भी हमें भी बताया कि यहाँ से अच्छा पढ़ाई होता है। मेरा अभी तो बेंगलोर है, वहाँ भी 25+ उनका सैलरी मिल रहा है, तो हम बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम अभी 5 साल हो गए हैं, 18 से 20 सेशन है, फीचर मेरा ट्रेड है, तो फिर मेरा भी JBM कंपनी में चयनित हो गया, सिलेक्शन हो गया। फिर कैसा लग रहा है जो आपको जो मिथिलांचल ITI के द्वारा जो है ये मौका दिया गया है, कंपनी में आपका चयनित किया गया है, तो इसमें कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, मेरा चयनित हो गया है और हम खुश हैं। संजय कुमार हुआ और मैं मिथिलांचल ITI मब्बी से 18 से 20 में ITI पास आउट हुआ हूँ, ग्रेड हुआ फीटर। तो मैं जो मेरा अभी पास होते ही कंपनी सिलेक्शन हुआ है, तो कॉलेज के माध्यम से मिथिलांचल ITI के माध्यम से कंपनी सिलेक्शन हुआ है, तो जिस कंपनी में हमको काम करने का मौका मिला उस कंपनी का नाम है JBM ग्रुप कंपनी है। मिथिलांचल ITI जो है जो काफ़ी अच्छी और बेहतरीन जो इसकी नीति है, शिक्षा नीति है, वही अच्छी तरह से पढ़ाइयाँ होती है और लोगों को जो भी स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होते हैं उन्हें तुरंत किसी भी कंपनी में अच्छी से अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है उसका। मिथिलांचल ITI में 2018-20 के जितने भी पास आउट बच्चे हैं, प्रत्येक साल मेरा एडमिशन होता है कि पास होने के बाद भी एडमिशन स्टार्ट करने से पहले पास आउट बच्चे के लिए हमें कंपनी का ऑप्शन आता रहता है कि अपने संस्थान के द्वारा मेरे कंपनी में बच्चे को प्लेसमेंट कराइए, क्योंकि बहुत सारी कंपनी का ऑप्शन आ रहा था, जैसे JBM ग्रुप का हो, मारुति सुजुकी का हो, इस तरह से उन लोग को हम लोग यकीन में रखते हुए थे अभी COVID-19 के कारण। लेकिन उन लोगों का कहना हुआ कि नहीं, इंडिविजुअल भी अगर बच्चे आपके पास कार्यरत हैं कंपनी में आने के लिए, जॉब के लिए, तो वैसे पोजिशन में वैसे सारे बच्चे को यहाँ आने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे जो भी बच्चे को अभी आते हैं हम उनको सारे कंपनी के बारे में बताते हैं, सारे का सैलरी बताते हैं, और यहाँ से हम लोग कंपनी में बहुत सारे बच्चे जो आज आए हुए थे अपने यहाँ लगभग 50 के आसपास, तो वैसे में सभी बच्चे को हम लोग कंपनी का डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। कंपनी का जो सैलरी है, जो उसका शेड्यूल बना हुआ है, उस हिसाब से हम लोग बताएँ, और सारे बच्चे लगभग 22-23 बच्चे आज यहाँ से, कुछ बच्चे टिकट भी कटा चुके हैं, जिनका टिकट नहीं कंफर्म हुआ आज के डेट में टिकट लेंगे, चाहे जिस डेट का टिकट हो वो लोग JBM ग्रुप में जा करके अपना क्लास। उद्देश्य है कि यहाँ के बेरोजगार को रोजगार देना, क्योंकि हमारे संस्थान में टेक्निकल कोर्स कराया जाता है, टेक्निकल कोर्स करने के बाद कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपना सेल्फ बिजनेस, अपना व्यवसाय डेवलप करते हैं उद्यमित लगा करके, और कुछ ऐसे बच्चे का जिसके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उनके साथ परेशानी है, इसीलिए वो लोग अभी जॉब के लिए तैयार हैं, तो वैसे कंपनी में हम लोग जॉब के लिए प्रोवाइड करवाए। इसके लिए हमारा मिशन है कि अभी जो भी बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो हम लोग अभी कोविड के कारण बहुत सारी सुविधाएँ दे रहे हैं, जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट से जो भी बच्चे आते हैं वैसे बच्चों के लिए हम लोग रहने के लिए सुविधा दे रहे हैं, एवं
उन लोगों के लिए बुक भी दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर कोर्स भी शुरू करा रहे हैं, ताकि यहाँ से बच्चे को सुविधा अगर हम देते हैं, कोविड के कारण सबकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो संस्थान के द्वारा उनको सहयोग मिलेगा, तो नहीं करने वाले गार्जियन भी अपने बच्चे को कोर्स कराने में इच्छुक हो जाएंगे। हमारे इंस्टीट्यूट में अभी पेपर में हम लोग ऐड देते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा भी ऐड जाती है, और जो खास करके यहाँ से पास आउट बच्चे हैं उनके गार्जियन को ये पता लगता है कि मेरे बच्चे का वहाँ प्लेसमेंट हो गया, तो गांव घर में जो माहौल में जो वातावरण क्रिएट होती है उसे लगता है कि वहाँ प्लेसमेंट का सुविधा है, इसीलिए हम अपने बच्चे को भी एडमिशन कराएंगे।